आपके शेप्स हैं, इसमें भी आपने कलर करना है। और ये देखिए यहाँ नीचे है स्लेंडर, इसमें भी आपने कलर करना है। ठीक है, ये पेज तो हमारा डन हो चुका है। अब नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 18। हेयर आर फोर आइकन्स, फर्स्ट काउंट, सेकंड ट्रेस, थर्ड राइट एंड फोर्थ कलर। काउंट, ट्रेस, राइट एंड कलर, सो वी हैव टू डू राइट इट ऑन द लाइन 30 जुलाई 2021। पहले तो हम काउंट करते हैं। वाओ हेयर, यहाँ पे कितने काइट्स हैं, काउंट विथ मी, 1 2 3, 3 काइट्स हैं। हाउ मनी काइट्स, 3 काइट्स। अगेन काउंट करते हैं, 1 2 3, 1 2 3 काइट्स। अब मैम आपको कलर भी दिखाती हैं। यस, यहाँ पे मैम के पास कलर्स हैं। हाउ मनी कलर्स, चलें काउंट करते हैं, 1 2 3। हाउ मनी कलर्स, 1 2 3, 3 कलर्स। मैम के पास कितने कलर्स हैं, 3। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 3 राइट है, 3 काइट्स। अब हमें सेकेंड वर्किंग हमारी है ट्रेस। चले अब हम 3 को ट्रेस करते हैं। यहाँ पे आप लोग पेंसिल रखिए। स्टार्टिंग पॉइंट ट्रेस ऑन आर 3 इज राउंड एंड राउंड। मैम के साथ पढ़ते जाइए, 3 इज राउंड एंड राउंड, 3 इज राउंड एंड राउंड। यहाँ पे भी आपको ट्रेसिंग करनी है, 3 इज राउंड एंड राउंड, 3 काइट्स, 3 काइट्स, 3 काइट्स। आप अपने घर में भी 3 ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए, कोई से भी जो आपको ठीक लगे। शार्पनर ले लें, रेजर ले लें, पेंसिल ले लें, इस तरीके से आपको काउंटिंग अच्छे से आ जाएगी। 3 इज राउंड एंड राउंड। ठीक है, यहाँ पे तो आपने ट्रेस करना है और आपने यहाँ पे खुद राइट करना है। यहाँ पे देखें डॉट डाले हुए हैं, यहाँ से आपने पेंसिल रखिए, स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे हम तीर की मदद से 3 इज राउंड एंड राउंड, 3 इज राउंड एंड राउंड। आपने यहाँ खुद राइट करना है, 3 इज राउंड एंड राउंड। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने ये सफा आपका कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे आपने खुद राइट करना है। इसके बाद आपने लास्ट वर्किंग आपकी है कलर। यहाँ पे काइट्स है ना, काइट्स में आपने कलर करने हैं, 1 2 3, 3 काइट्स हैं तो 3 काइट्स में अलग अलग आप लोग कलर कीजिएगा, एक ही कलर नहीं कीजिएगा, ताकि आपकी काइट्स ब्यूटीफुल दिखे। ठीक है, आपको पता है किस तरीके से करना है, बॉर्डर बनाना है आपको। सबसे पहले आप बॉर्डर बना लेंगे ना, तो आपकी कलरिंग जो है बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बॉर्डर बनाइए। ओके स्टूडेंट, देखिए 3 काइट्स हैं तो मैम ने 3 कलर लिए हैं। अपनी मर्जी से मैम को जो पसंद आए मैम ने वो कलर ले लिए हैं। आपने भी इसी तरीके से 3 कलर्स लेने हैं और 3 काइट्स में अलग अलग कलर करने हैं। कलर शुड बी अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इसी तरीके से आपने कलरिंग करनी है, ताकि आपकी काइट ब्यूटीफुल नजर आए। ठीक है, कलर बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालिएगा करते वक्त। ये देखिए, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये वर्क। चले क्लोज योर मैथ बुक एंड टेक आउट योर मैथ कॉपी। ओके स्टूडेंट, ये देखिए, ये आपकी मैथ की कॉपी, मैम ने इस तरीके से मैथ की कॉपी रेडी की है। आज हम वर्किंग करेंगे मैथ की कॉपी है फिल इन द मिसिंग नंबर। तो चले नंबर 1 यहाँ पे राइट कीजिए, नंबर 1 ये मार्जिन से आपने बाहर लिखना है। और यहाँ पे हम राइट करेंगे 1 3 13, फिर आपने ब्लैंक्स जो है वो कलर से डालने। ठीक है स्टूडेंट, यस, 1 बॉक्स मिस कीजिए और फिर यहाँ पे देखिए ऐसे कलर से आपने ये लाइन डालनी है। फिर यहाँ पे हम 1 बॉक्स मिस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ राइट करेंगे 1 5 15। ठीक है, नंबर 2 2 1 21, कलर चेंज कर लें। फिर 1 बॉक्स मिस कीजिए और यहाँ पे इस तरीके से लाइन बनाएंगे। फिर 1 बॉक्स मिस कीजिए और यहाँ राइट करेंगे हम 2 3 23।
नंबर थ्री, नंबर थ्री पे वन, वन बॉक्स मिस कीजिए, फिर कलर चेंज कीजिए और यहाँ पे लाइन बनाइए, ओके, फिर वन बॉक्स मिस कीजिए और यहाँ पे हम राइट करेंगे थ्री, नंबर फोर,